सुबह के अभी 8 बजने वाले हैं और मेरा जो सुबह का काम था वो हमने कर लिया पूरा, यानी कि जो मेरा नाना धोना पूजा पाठ ये सब हमने कर ली। और अभी मेरा खाना बन रहा है, खाने में आज मैं सिंपल सा खाना भी बना रही हूँ, दाल चावल रोटी यही बनाऊंगी। तो दाल जो है मेरी बन रही है, यहाँ मेरी सीटी लगने वाली है उसमें, चावल भी बन रहे हैं तो अभी आटा रखा हुआ लगाने के लिए, तो अभी लगाऊंगी मैं थोड़ी देर में। और आज मेरी शादी की सालगिरह है, एनिवर्सरी आज 21 अप्रैल है, तो मेरी शादी की सालगिरह है और आज मुझे हो गए हैं 17 साल, 17 साल हो गए मेरी शादी के। तो देखती हूँ शाम तक मैं क्या क्या करती हूँ और जो भी होगा मेरी चीज़ें मैं आज सभी को मेरे दिखाऊंगी बताऊंगी भी। तो चलिए मैं आप सभी को पहले मैं खाना बना लेती हूँ। तो देखिए मैंने जो है कढ़ाई में चावल रख दिए थे बनने के लिए, तो मेरे जो है चावल बन गए, इंडक्शन पर रख दिए थे, मेरा देखिए चावल कितने अच्छे बने कढ़ाई में ही। तो थोड़ी सी मैंने बचत कर ली, इस पर रख दिए थे तो जो धीरे धीरे बन गए, तो उसमें बहुत ही अच्छे चावल बनते, इसमें मैं कई कबार बना लेती हूँ। देखिए एकदम बिखरे बिखरे चावल बने यहाँ पर, चावल भी बन गए मेरे। अरे यार देखिए यहाँ पर अभी सीटी लगने वाली है, ये देखिए अभी आटा रखा हुआ लगाने के लिए, तो पहले मैं जो है आटा लगा लेती हूँ। तो अभी तो मैंने सिर्फ यही खाना बनाया है, जैसे कि दाल चावल ये तो सब्जियां रखी हुई थी, तो आज मन हुआ कि यार दाल चावल बनाने का, बच्चे भी बहुत ही पसंद करते हैं दाल चावल को, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं दाल चावल बना लेती हूँ। और ये तुअर की दाल है, तो ये दाल मतलब अच्छी लगती है, मेरे बच्चों को सबको पसंद आती है तुअर की दाल, तो उन्हें बहुत ही अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने दाल बना ली आज। और यहाँ देखिए अभी सीटी लगने वाली है, तो ये कुकर की सीटी मतलब ढीली हो गई है, तो ये बहुत ही कम लगती है, जब इसको मतलब दबाना पड़ता है थोड़ी देर के लिए तब लगेगी, नहीं तो ये लगती नहीं है, बहुत ही मतलब परेशान करती है, जब उसको कुकर में बनाना पड़ता है तब जाके मुझे भी याद आती है सीटी की, तो इसलिए सीटी लाना ही भूल जाती हूँ, मैं जाती हूँ बाज़ार पर, मैं भूल जाती हूँ लाने के लिए। तो खाना पीना मेरा बन गया था और उसके बाद में फिर यहाँ पर देख सकते हैं आप कि मैं आज सब सफाई कर रही हूँ, तो वैसे मैंने बर्तन धुले थे, उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि मैं जो है ऊपर की जो बोतल रखी हुई थी उसमें जो है थोड़ी सी चिकनाहट हो जाती है, और इस किचन वाले कमरे में ना हर एक बर्तन मतलब चिकना हो जाता है, जो भी यहाँ हम सारे के सारे बर्तन बहुत ही चिकने हो जाते हैं, तो मैं सोच रही थी कि थोड़ी बहुत तो आज धूल मिट्टी थी जगह जगह, तो मैंने कपड़े से साफ़ कर दी, और यहाँ के ऊपर के जो बर्तन रखे हुए थे उसमें भी बहुत ज़्यादा चिकनाहट हो गई थी, तो मैंने सोचा अभी मैं जो है धो के रख देती हूँ। और पंखे भी इतना मतलब चिकना हो जाता है कि उसको जो है फिर साबुन से साफ़ करना पड़ता है, तब जाके ये किचन वाला जो है पंखा तब साफ़ होता है, और गीले कपड़े से अगर करो तो वो साफ़ भी नहीं होता है, तो फिर मतलब कि किचन वाले कमरे में बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, हर एक चीज़ पे मेहनत करनी पड़ती है, जैसे कि डिब्बा डिब्बी हुए कोई भी सामान हुआ, तो यहाँ बहुत ही मतलब चिकना हो जाता है, हर एक बर्तन चिकना हो जाता है, तो इस वजह से है ना बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पर। तो उसके बाद में फिर देखिए मैंने बर्तन धो के रख दिए थे, मैंने कहा अभी सूख जाएंगे तब उसके बाद हम लगाएंगे, तब तक मैं यहाँ पर, तो मैंने सोचा कि फ्रिज पे भी थोड़े बहुत जो बच्चे हाथ लगाते हैं चिकनाटे के, तो फ्रिज के ऊपर जो है यहाँ पर थोड़े बहुत चिकना हो जाता, तो मैंने इसको भी जो है साबुन से धो दिया, और उसके बाद मैंने गीले कपड़े से अच्छे से इसको पोंछ दिया, तो मेरा फ्रिज साफ़ हो गया था। और उसके बाद फिर मेरे बर्तन वगैरह सूख गए थे, तो मैंने सोचा अभी मैं हाल लगा देती हूँ, नहीं तो फिर जो है मैं भूल जाऊँगी, तो फिर पता नहीं कब मुझे याद आएगा तब मैं जाके लगा पाऊँगी, तो फिर मैंने जो है लगा दिए हाथों हाथ, मैंने थोड़े बहुत गीले थे तो फिर मैंने जो है पोंछ के रख दिए थे,
और सूख भी गए। तो यहाँ पर देखिए मैंने बर्तन वगैरह अपने जमा दिए ऊपर, और यहाँ के सच में बहुत ही जल्दी मतलब गंदे हो जाते बर्तन। वैसे तो बहुत ही कम यूज होते हैं ये, बस सिर्फ मतलब कोई ज़्यादा आता है तब इन बर्तनों को मैं यूज करती हूँ, नहीं तो बस वहीं पर लगे रहने के लिए ये वाले बर्तन। तो डेली यूज के दूसरे बर्तन हैं उनको मैं अलग ही रखती हूँ, और ये बर्तन मतलब वहाँ पर लगे रहते हैं, जब कोई आता है तभी यूज करते हैं। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी ये इस वाले कमरे में, तो मैंने सोचा यहाँ भी कई दिन हो गए तो मैंने साफ नहीं किया था, तो यहाँ भी मतलब अभी सीजन ही ऐसी चल रही है कि अभी बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है, तो हर एक जगह ऐसी मतलब धूल मिट्टी पहुँच जाती। तो यहाँ पर मैं आ गई थी, और यहाँ पर जो मैंने जो लकड़ी के बॉक्स बनाए थे यहाँ पर मैंने लगा के रखे हैं, और मैं थोड़ा बहुत कुछ सजाने के लिए यहाँ पर रख देती हूँ। तो यहाँ देखिए अभी मैं मंदिर वगैरह मैंने ऊपर साफ़ किया, मंदिर के ऊपर भी बहुत ही धूल मिट्टी हो गई थी, उसको भी मैंने साफ़ किया अच्छे से। नहा तो लिया था मैंने सुबह ही, नहाने के बाद फिर मैंने पूजा कर ली, फिर मैंने सोचा आज मैं अभी पोछा नहीं लगाऊंगी, पर मैं थोड़ी सी साफ़ सफाई करूंगी, इसलिए फिर मैंने पहले पोछा नहीं लगाया था। तो मैंने सोचा पहले साफ़ सफाई कर लूँ उसके बाद में लगाऊंगी। तो यहाँ देखिए एक एक चीज़ मैंने अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, बहुत ही धूल मिट्टी हो गई थी, मैं मतलब सोच नहीं सकती इतनी ज़्यादा, इन जो बॉक्स रखे हुए इन पे बहुत ही धूल मिट्टी हो गई थी। तो फिर मैंने अच्छे से इनको साफ़ किया बाहर जाके। तो और यहाँ देखिए मैंने जो छोटी छोटी हमारी चीज़ें थी इन पे मैंने जो है अपने सामान रख दिया है अच्छे से इनको साफ़ करके, और जो डॉल्स वगैरह थी वो भी मैंने वहाँ पर रख दी। तो अभी आ गई हूँ मैं यहाँ पर, अपनी जो है टीवी वगैरह इसको भी मैं थोड़ा सा कपड़ा लगा देती हूँ, तो यहाँ पर बहुत ही कम धूल होती है, क्योंकि टीवी तो मतलब हमेशा मैं साफ़ करती रहती हूँ, तो इसलिए यहाँ पर धूल कम थी। तो आज मेरा बहुत ही खुशी का दिन है, तो खुशी के दिन भी हमने सोचा अपने थोड़ी सी खुशी और बढ़ा ली जाए, तो इस वजह से हमने अपने जो है घर को अच्छे से साफ़ सुथरा कर लिया है। तो सबसे ज़्यादा अगर मुझे खुशी मिलती है तो घर को साफ़ रखने के बाद मुझे बहुत ही खुशी मिलती है, मैं आप सभी को ये बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी होती है कि जिस दिन मैं कुछ काम करती हूँ ना अपने घर को, जब मैं साफ़ करती हूँ ना उस दिन, तो मेरा मन इतना खुश रहता है कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है उस दिन। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसा मैंने अभी साफ़ करा है वैसा ही रहे तो अच्छा लगे। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत ही बड़ा दिन है। तो आप लोग भी जो है मेरे खुशी के दिन जो है शामिल होइएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया है पूरा, उसके बाद फिर मैंने जो है डॉल्स वगैरह जो भी थी यहाँ पर लगाने की वो हमने लगा दी। तो मैंने सोचा अभी मंदिर को भी साफ़ कर देती हूँ, तो मंदिर को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था पूरा करने। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, कल मिलूँगी आपसे दूसरे वीडियो में, और शाम को हम देखते हैं क्या इन्जॉय करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो आप सभी को दूसरे वीडियो में देखने के लिए मिलेगा।